सो हाय एवरीवन, मैं सेल्फी हिमांशु कुमार। तो दोस्तों वेलकम बैक हो गया आप लोग सबका एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा सैमसंग अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है और दोस्तों वो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। इससे पहले था दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M33 5G, उसी को अपग्रेड करके दोस्तों इन्होंने एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च करा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों सेकंड वीक ऑफ जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। आप इसे इजिली फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। बट दोस्तों सवाल ये है कि क्या अपग्रेड हमें इस फोन में देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G के कंपेयर में, क्या चेंजेस है भाई, कुछ अपग्रेड इन्होंने किया होगा तभी तो ये फोन को लेना बनता, नहीं तो ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना दोस्त। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या अपग्रेड है इस फोन में सैमसंग गैलेक्सी M33 के कंपेयर में, वो जानने में मजा आएगा। चलिए जानते हैं मिलकर, लेट्स गो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं सैमसंग गैलेक्सी M33 5G जो है ये अभी आपको मिल रहा है 15,000 तक में, और ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा दोस्तों इसका प्राइस जहां तक लीक्स में हमें पता चला है कि इसका प्राइस भाई 20,000 या 20,000 से अबव हो सकता है। तो भाई ये दोनों फोन में 5 से 6,000 तक का डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई 5-6 हजार का डिफरेंस में क्या कुछ अपग्रेड इन्होंने करके दिया है इस वाले फोन में, चलिए वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले बताता हूँ। पिछला जो सैमसंग गैलेक्सी M33 5G जो था उसमें हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलता था, पर इस वाले फोन में दोस्तों हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि भाई काफी बढ़िया है। डिस्प्ले में तो दोस्तों इन्होंने मेजर चेंजेस करके दिए, और तो भाई इसमें HDR10+ का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा इसके डिस्प्ले में, जो कि भाई काफी ज्यादा ऑसम है। डिस्प्ले में दोस्तों तो अच्छी खासी चेंजेस ही की है इन्होंने। बैटरी आपको 6000mAh का देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और 25W का चार्जर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। पिछले बार की जैसे ही दोस्तों इस फोन के डब्बे में हमें एडाप्टर देखने को नहीं मिलेगा, एडाप्टर हमें अलग से बाय करना पड़ेगा 25W का। ये आपके फोन को दोस्तों 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा, और भाई ये 11 से 12 घंटे तक आपको इजीली निकाल कर देगा। बैटरी तो भाई इस फोन का काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। तो कैमरा की बैक साइड में दोस्तों हमें ट्रिपल कैमरा ही सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट मैन कैमरा 250MP का ये OIS कैमरा है, जो कि भाई काफी बढ़िया, और दूसरा दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा, और भाई तीसरा जो है वो है टाइम पास कैमरा 2MP का, ये मूड का कैमरा है भाई। तीसरा कैमरा को दोस्तों आप भूल ही जाओ। अब दोस्तों मैन बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला, प्रोसेसर कौन सा यूज करा गया है इसमें। तो भाई मैं सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M33 के बारे में बताता हूँ। तो भाई सैमसंग गैलेक्सी M33 में जो भाई प्रोसेसर था वो है एक्सोनस 1280 का, और जहां तक अभी तक लीक्स आया भाई कि हमें पता चल रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी M34 जो लॉन्च होने वाला दोस्तों उसमें भी सेम चिपसेट का यूज करा गया है, पिछले वाला ही प्रोसेसर भाई इसमें भी डाला जा रहा है, जो कि भाई अच्छा नहीं है। अगर भाई पुराना वाला ही चिपसेट अगर इस फोन में डाला गया तो भाई मैं आपको बताऊंगा ये वैल्यू ऑफ फोन नहीं रहेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज तक में कई कॉम्पिटिटर्स उस प्राइस रेंज तक में है, काफी अच्छे अच्छे फोन उस प्राइस रेंज तक में अवेलेबल हैं। तो भाई ये चिपसेट वाला फोन लोग क्यों लेंगे, लोगों को तो भाई अच्छा परफॉर्मेंस ही चाहिए ना, और प्राइस उतना ज्यादा पे करे तो भाई अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस उन लोग ट्राई करेंगे लेने का, तो भाई ये वैल्यू ऑफ मनी फोन नहीं रहेगा। बट भाई अगर आपको प्रोसेसर से लेना देना नहीं है कि भाई एक्सोनस है या मीडियाटेक डायमेंसिटी है या कुछ भी है, आपको परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, बस आपको चाहिए कि भाई एक अच्छा खासा बैटरी हो, एक अच्छा खासा डिस्प्ले हो, तो भाई ये फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। देखो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अगर ये स्मार्टफोन भाई 20,000 के ऊपर जाएगा तो भाई ये वैल्यू ऑफ मनी फोन नहीं रहेगा, ये तो मैंने पहले ही बताया। ऐसा कब होगा दोस्तों, जब इसमें सेम प्रोसेसर का यूज करा गया हो एक्सोनस 1280 का, अगर भाई एक मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर अगर इसमें डाला जाए तो भाई ये बेस्ट फोन हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ और ये 20,000 तक का ऊपर गया तो भाई वहाँ तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, काफी अच्छे अच्छे फोन अवेलेबल है। अब 20,000 तक का आप ऊपर जाओगे तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा रियलमी GT नियो 3T का, भाई उतने प्राइस तक में अगर सेम प्रोसेसर उसमें एक्सोनस 1280 का डाला तो भाई मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा, आप भाई इस प्राइस रेंज तक में रियलमी GT नियो 3T ले सकते हो, मैं बेस्ट रिकमेंडेशन आपको ये करूंगा, क्योंकि भाई रियलमी GT नियो 3T में भाई प्रोसेसर काफी तगड़ा है, नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसर है, उसमें क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि भाई काफी अच्छा तगड़ा खासा अच्छा खासा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है हम लोगों को, गेमिंग शेमिंग के लिए तो मस्त है भाई, वो फोन नेक्स्ट लेवल का है इस प्राइस रेंज तक में। बट देखने वाली बात होगी कि भाई सैमसंग गैलेक्सी M34 में प्रोसेसर कौन सा इन्होंने डाला, वो तो अभी भाई फिक्स हुआ नहीं है, क्या रहता है देखिए एक्सोनस 1280 रहता है या फिर मीडियाटेक का कोई प्रोसेसर उसमें डाला जाए। मुझे जहां तक लगता है अगर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का ही प्रोसेसर इसमें डालेगा, अगर मीडियाटेक का डाला तो होप दोस्तों आप लोग को मैंने अभी तक जितना बताया आप समझ में आ गया होगा। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो भाई एक लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग हेल्पफुल कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद जय भारत।